और दोस्तों की हाल सत श्री अकाल नमस्कार और सुस्वागतम आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल के अंदर। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे हॉनर के यानी कि हुआवे के, दोनों कंपनियां एक ही है लेकिन नाम चेंज हुए है हुआवे Y9 के बारे में। मैं हमेशा से आपके लिए वही फोन आपको बताता हूँ जो कि सच में एक वैल्यू फॉर मनी हो और अगर बजट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है वो हुआवे का हो, हॉनर का हो, रेडमी का हो, फिर रियलमी का हो, कोई भी फोन हो, लेकिन अगर अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और ये फोन सच में एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पहले व्यूअर्स हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने वाले तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दिया दोस्तों ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और मसालेदार वीडियोस देखने को हमेशा से मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हुआवे Y9 के बारे में, हुआवे Y9 हॉनर और हुआवे जो कि इस साल बहुत बड़ी रेंज के साथ में फोन लॉन्च करेगा। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा विजन रख के आया है क्योंकि अब इस बार उन्हें रेडमी रियलमी जैसे फोन को बीट करना है, इन कंपनियों को बीट करके वे आगे बढ़ना है और वैसा कर भी रहे। पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फोन लॉन्च किए लेकिन वो फ्लैगशिप लेवल के फोन ज्यादा थे। अब इस बार मिड रेंज 10-15-20 हज़ार की रेंज में अच्छे अच्छे फोन लॉन्च कर रहे हैं। हुआवे ने अपना हॉनर 10 लाइट भी लॉन्च किया है और हुआवे ने अपना अभी हॉनर Y9 जो कि हुआवे Y9 फोन को लॉन्च कर दिया जो कि अब जनवरी में अभी 15 जनवरी में आपको मिल जाएगा अमेजोन से। तो 15 जनवरी से आप इस फोन खरीद पाएंगे अमेजोन से एक्सक्लूसिवली। और अगर आप पहले ही इस फोन को खरीदने की कोशिश कर रहे हो यानी कि सोच रहे हो खरीदने की तो आपको बोट रॉकर्स के 3,000 रुपये प्राइस वाले हेडफोन जो है वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। यानी कि आपको इस फोन की प्राइस जो है 16,000 रुपये यानी कि 16,000 रुपये, उसमें से आप 3,000 रुपये अगर लेस करते हो तो ये फोन आपको सिर्फ 13,000 में मिलेगा। ये प्रमोशनल ऑफर है, पहले ही लॉन्चिंग में जब सबसे पहले आप ऑर्डर करोगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगी, नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये ब्लूटूथ हेडसेट चाहिए 3,000 रुपये वाले तो आप पहले ही ऑर्डर कीजिए और ये आपको बिल्कुल फ्री में। हुआवे Y9 के बारे में, हुआवे Y9 में आपको एक ही वेरियंट मिलता है जो कि 4 GB रैम और 64 GB वाला, लेकिन इसमें अच्छी बात ये की गई कि इसमें आपको एक ट्रिपल स्लॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है यानी कि आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और साथ ही में ड्यूअल एक्टिव 4G का सपोर्ट यानी कि 2 4G SIM एट ए टाइम चला सकते हो। अब इसमें आपको स्क्रीन की बात की जाए तो इसमें आपको बड़ी स्क्रीन है इस बार आपको 6.5 इंच की बड़ी सी स्क्रीन है जो कि FHD+ यानी कि फुल HD+ स्क्रीन आपको इसमें मिलती है। तो स्क्रीन साइज बड़ी होने के हिसाब से आपको जो अगर आप पिक्चर्स देखते हो, आप मूवी देखने के शौकीन हो या फिर गेम खेलने के शौकीन हो तो आपको मज़ा बहुत आने लगे क्योंकि फुल HD स्क्रीन है और साथ ही में बड़ी स्क्रीन है तो बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। वीडियो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी और इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है, वाइब्रेंट है, आपको इसमें अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी। तो स्क्रीन और डिस्प्ले के मामले में फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे एक थम्स अप मिलता है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इसके पावरफुल प्रोसेसिंग की, तो इसमें आपको किरिन, हमेशा से हॉनर या हुआवे अपने खुद के प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करता है, वो कभी भी स्नैपड्रैगन या फिर कॉलकॉम का या फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर कभी यूज़ नहीं करता, वो खुद का ही प्रोडक्शन वाला जो है किरिन का प्रोसेसर यूज़ करता है। इसमें आपको किरिन 710 मिलता है जो कि इसका अंतर बेंचमार्क करीबन 1,37,000 के आसपास है जो कि स्नैपड्रैगन 660 से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपको पबजी जैसे गेम अगर आप हाई क्वालिटी सेटिंग पे भी खेलते हो तो ये लैग नहीं करते, स्मूथली चलते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही मक्खन है इस फोन का इस प्रोसेसर के साथ में। स्नैपड्रैगन 660 के मुकाबले किरिन का 710 बहुत बढ़िया है, ये फोन परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप पबजी ऐसे गेम भी खेलते हो तो ये लैग नहीं करता है अच्छे खासे हाई सेटिंग के ऊपर भी, तो यहाँ पे थम्सअप है इसके प्रोसेसर के हिसाब से भी। अब इसमें आप बात करेंगे कैमरा की तो इसमें आपको 4 कैमरा मिलते हैं, ड्यूअल कैमरा सेटअप पीछे भी और आगे भी। तो रियर में आपको 13+2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा मिलते हैं, जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर आपको 2.0 का है और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका 2.4 का अपर्चर है। तो और जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको भी 2 कैमरा मिलते हैं जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल के कैमरा मिलते हैं जो फ्रंट में है, और फ्रंट सेल्फी कैमरा का जो 16 मेगापिक्सल उसका अपर्चर है 1.8 का, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली सेल्फी आपको मिलेगी। इसमें आपको लो लाइट कंडीशन में भी अच्छी सेल्फी आपको मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त कैमरा इस बार दिया हुआ है इस फोन के अंदर क्योंकि ड्यूअल कैमरा है जो कि 13+2 और फ्रंट में 16+2। तो कैमरा के मामले में भी आपको 4 कैमरा यहाँ पे मिल जाते हैं और डिस्प्ले के हिसाब से इसमें आपको नॉच देखने मिलती है, इसमें आपको वाटर डॉप नॉच नहीं है, इसमें आपको रेगुलर नॉच जो होती है लेकिन नॉच बड़ी नहीं है, छोटी नॉच है, तो नॉच भी आपको इस फोन में मिल जाती है। डिजाइन और लुक्स के मामले में कहा जाए तो ये फोन बहुत ही जबरदस्त लगता है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है और प्रीमियम डिजाइन आपको इस फोन में मिल जाती है।
तो ये बहुत ही ऑसम फीचर है, जैसे कि 6.5 इंच की मैसिव स्क्रीन, FHD प्लस 710 का प्रोसेसर, 4000 mAh की बड़ी सी बैटरी, तो बैटरी भी बड़ी है। और इसमें ऑप्टिमाइजिंग आपको इसमें EMUI EMUI 8.2 मिलता है, EMUI मोशन 8.2 मिलता है, और ये आपको एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर अप टू डेट मिलता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। और आपको आने वाले कुछ महीनों में आपको इसको पाई की अपडेट भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये फोन अच्छा फोन है, क्योंकि इसमें आपको सभी तरह के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको 16,000 के प्राइस में होने चाहिए। तो पावरफुल फोन है, 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, डिजाइन भी लुक्स ग्रेट है, एक प्रीमियम फोन लगता है, ओवरऑल ये फोन बढ़िया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करते तो परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। अगर आपका बजट है 16,000 का और आप भी हॉनर और हुआवे के फोन को लेना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली फोन बढ़िया फोन है, तो आप इसे खरीद सकते हो। मेरे तरफ से एक पिक है, थम्स अप है। और ये था हॉनर का Y9 वाला वीडियो। तो आपके कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।